तो ये सुंदर सा कुप्रिया ड्रैगन स्किल एलोकेशिया के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं वाटरिंग दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास टेरेस जाएगा। आपको तो पता है मेरे ग्राउंड फ्लोर में बहुत जगह है, लेकिन मैं नर्सरीज को जो ऑल ओवर इंडिया जो भी नर्सरीज है उसमें मैं प्लांट्स अप्लाई करती हूँ। तो नीचे मैं अपना जो खुद का पर्सनल कलेक्शन है, स्पेशली रेयर कलेक्शंस, क्योंकि मैं खुद कलेक्टर पहले हूँ और प्लांट सेलर बाद में हूँ, तो कलेक्शंस मैं अपने टेरेस पर रखती हूँ। छोटा सा टेरेस है लेकिन मैं ऑर्गेनाइज करके अच्छा सा रखना चाहती हूँ। तो अभी आज मैं पब्लिक डिमांड पे अपना टेरेस का ओवरव्यू बनाऊंगी। तो मेरा टेरेस, बहुत सारे टेरेस मैंने ऑनलाइन देखा है जो बहुत सुंदर, क्रिएटिव है, कलरफुल है। मेरा टेरेस ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा क्या होता है, ये टेरेस भी है और वर्क स्पेस भी है। यहाँ पर मैं प्लांट्स को डिवाइड करती हूँ, फिर इन सब को फर्टिलाइज करती हूँ, और फिर बरसात में गंदा भी हो जाता है, साफ भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और ये टेरेस पे मेरा बहुत समय जाता है। और मेरा तो एक आदत है, आपको पता है, कि नया नया वैरायटी कलेक्ट करने का, बिकॉज आई एम मोर ए प्लांट कलेक्टर देन ए सप्लायर और एनी थिंग। सो जो भी जो मिलता है मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरा एलोकेशिया तो आप लोगों ने उस दिन देखा ही था, तो फिर नहीं दिखाऊंगी, ये छोटा मोटा एलोकेशिया भी इधर है। तो आप जब डोर से घुसेंगे ये टेरेस पे, आपको सिर्फ ये एलोकेशिया कॉर्नर दिखेगा, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी मेरे एलोकेशियाज हैं मैंने रखे हुए हैं। और भी दो तीन ऐड होने वाला है, एक कोलोकेशिया मैंने ऑर्डर दिया है जो आने वाला है। और इस बड़ा सा पॉट में मैंने जितने भी मेरे एक्स्ट्रा एलोकेशिया कुप्रिया रह गया था उन सबको मैंने पॉटिंग कर दिया है, क्योंकि इस सीज़न में ये लोग मल्टीप्लाई होते हैं और जो इन सब का जो रूट बॉल है वो भी ज़्यादा यू नो स्प्रेड करता है। तो आई होप कि मुझे ज़्यादा प्लांट्स मिलेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। सो हम गार्डनर्स लोग तो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। सो उसके बाद ये देखिए, सारे प्लांट्स तो अच्छे से हैं, क्योंकि एलोकेशिया मेरे क्लाइमेट में बहुत अच्छे से होता है। बारिश भी पसंद है इसको, सनलाइट भी पसंद है, और बहुत हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, जो मेरे यहाँ बहुत है। आज 91% है, जस्ट सोचिए कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। फिर नेक्स्ट जो राउंड चक्कर है, ये हाफ ही बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, वेरीगेटेड एरोरूट प्लांट है जिसका वेरीगेशन मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये वेरीगेटेड हेलोकोनिया है, यह वो सारे कुछ है। मार्बल प्लांट पोथोस जो बहुत सुंदर से बना हुआ है वो है। फिर ये सिंगोनिया फ्रोस्टन हार्ट है, और फिर मेरा बहुत प्यारा सा मॉन्स्टरा वेरीगेटेड है, और ये देखिए बड़ा सा मैग्निफिकम वर्डे है मेरा, जायंट वाला ये सिंगोनियम स्ट्रॉबेरी आइस का एक प्लांट यहाँ पर रखा हुआ है। और वही ये यहाँ पर जो भी मैंने ग्रोथ करना है यहाँ पर करूँगी। यहाँ पर सनलाइट एकदम बहुत कम आता है ये, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। ऊपर नेट लगा रखा है, साइडों में भी नेट है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जब न्यू ग्रोथ दिख जाए तो आप चिंता मत कीजिए। और इस प्लांट में मिलीबग लग गया था, मैंने अच्छा से वॉश किया फॉर कंटिन्यूस 1 वीक। अब ये प्लांट हेल्दी है, सो आई एम वेरी हैप्पी। ये एंथोनियम क्लेरिवोरन है, और ये भी बहुत अच्छे से डील कर रहा है। ये रहा मेरा बहुत सुंदर सा क्वीन ऑफ माय गार्डन, वन ऑफ माय मॉन्स्टर डिलिशियसस। मेरे पास अराउंड 12-15 मॉन्स्टर एल्बो है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर ये इसको भी मैंने ले लिया है। मॉन्स्टरा बहुत सुंदर है और बहुत हार्डी प्लांट भी है। तो ये प्लाउ में है, और फिर ये देखिए मार्बल क्वीन, जिसको देखने से आपको अचानक मार्बल क्वीन जैसा नहीं दिखेगा। बहुत सुंदर से ये ग्रो हो चुका है, उसका बड़ा पत्ता भी बहुत बड़ा हो गया है। तो मेरे गार्डन में वही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, एस्थेटिक सेंस, जो सुंदरता है, जो कलरफुल प्लांटर्स, जो डिज़ाइनिंग, वो सब उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं नर्सरीज को भी प्लांट्स अप्लाई करती हूँ जो ह्यूज स्केल में होता है, 100 से लेके 500 1000 प्लांट्स में देती हूँ नर्सरीज को। तो उसके बाद खुद के लिए मैंने ये स्पेस रखा है। और फिर ये देखिए, बाकी स्टैंड में भी सारे एंथोरियम्स, होमोलोमिया, फिर सिंगोनियम का भी रेयर कलेक्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। ये वॉक फार्म वेरीगेटेड है। ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ एक्सक्यूज विथ मी, क्योंकि जब हम लोग ओवरव्यू देते हैं ना, कुछ भी छोड़ने का मन नहीं होता है मुझे तो एटलीस्ट। तो प्लीज़ एंड तक देखिए, 2 मिनट देख के छोड़ मत दीजिए अगर आप प्लांट लवर्स हैं तो। और ऐसे ही मैंने रखा है बड़ा वाला पॉट्स ऊपर, फिर जो नीचे वाला मीडियम साइज़ वाला बीच में रखा है। तो
देखिए आपको कैसा लगता है, ये हाफ मून है, हाफ मून मेरे पास दो है लेकिन ग्रोथ अच्छा से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। अभी शायद ग्रोथ अच्छा से होगा। और फिर ये होजे बुनो भी अभी कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। इसका देखिए कितना सुंदर है इसका वेरिएशन। और फिर ये देखिए ये वाइट विजर जो बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी, ये बहुत अच्छा प्लान मुझे मिला है, बहुत अच्छा वेरिएशन में। और फिर क्या दिखाऊँ, हाँ ये सिंगोनियम है। फिर ये एक प्लांट है, कौन सा प्लांट है मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पूरा ख़राब हो गया था। अभी देखिए न्यू शूज निकला है। तो उसके बाद यहाँ पर एक पिंक प्रिंसेस है, बहुत सुंदर, मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपना पावर पेन भी दिखा लिया गलती से, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये मिल्क शेक सिंगोनियम है। फिर ये मेलानो क्राइसिम है। फिलोडेंड्रन दो है मेरे पास। तो अगर आप किसी कोई प्लांट मेरे साथ स्वाप करना चाहते हैं तो मैं एक मिलानो आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे दो नहीं चाहिए। फिर ये सारे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो इस रैक में है कल मेरे पास आके पहुँचे हैं, तो मैंने कल पॉटिंग कर दिया शाम को। तो फिर अभी भी थोड़ा हेल्थ ग्रेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैंने पॉटिंग वीडियो इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि आप लोग शायद बोर हो जाएंगे मेरे न्यू प्लांट्स खरीद ने का चक्कर में। और कोई कोई तो मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है कि मैं अपना न्यू बहुत ज़्यादा प्लान खरीद रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मुझे यही खुशी देता है। लोग कपड़ा खरीद के, ये खरीद के, वो खरीद के, ज्वेलरी खरीद के अपने आप को खुश सोचते हैं, लेकिन आई जस्ट लाइक टू बाई प्लान्स एंड दैट गिव्स मी द हाइस्ट सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। सो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई परचेज प्लान्स। आई होप कि ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड माई मेंटल सेटअप। और ये देखिए वन एलोकेशिया कुकुल, एलोकेशिया कुकुलेटा है वेरीगेटेड। ये वो बाकी एलोकेशिया के साथ मैंने नहीं रखा है, ग्रेजुअली और थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं इसको शिफ्ट करूँगी। और क्या दिखाऊँ, ये सारे थोड़ा ग्रो हो जाए उसके बाद इन सब का ब्यूटी निखर आएगा। अभी तो सिर्फ कल ही लगाया हुआ है, फिर भी आप ज़रूर बोलिए कि कैसा लगा। और गार्डन में जितना हो सके, मैं अकेली हूँ, कोई वर्कर नहीं है, फिर भी मैं जितना हो सके मैं मेंटेन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लांट्स तो है बहुत, आपको पता है मेंटेनेंस एक इशू है। और आप हमेशा पूछते हैं कि मैं खुद मेंटेन करती हूँ कि नहीं। जी हाँ, मैं खुद मेंटेन करती हूँ, इन सब को पॉटिंग करती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ, फिर इन सब का जो न्यूट्रिशन है उसका ख्याल रखती हूँ। अगर मिलीबग लग गया या ज़्यादा धूप गिर गया, उन सब को मैं खुद, लाइक वी केयर अबाउट आवर ओन चाइल्ड ना, मैं ऐसे ही अपने जो चाइल्ड के जैसे इन सब को अच्छा से रखती हूँ। फिर इधर ये देखिए होमोलेमिया भी है वेरीगेटेड। ये दो प्लांट है, ये अच्छा से ग्रो कर रहा है लेकिन पता नहीं वो वाला क्यों ग्रो नहीं कर रहा है। एक ही सिचुएशन में लगाया हुआ था एक, तो आई डोंट नो वेदर इट विल सर्वाइव और नॉट। सो वही इस शेल्फ में भी देखिए बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इसमें रिंग ऑफ फायर है और कुछ कुछ है मॉन्स्टर ओरिया वगैरह भी, मॉन्स्टर ओरिया नहीं सॉरी सिंगोनियम ओरिया वगैरह है। ये रिंग ऑफ फायर का और एक प्लांट है, इधर और एक है रिंग ऑफ फायर, तो मैं अभी ग्रो करूँगी। और फिर क्या दिखाऊँ, हाँ ये देखिए फोलियज एंथोरियम कितना लाश एंड ग्रीन है। तो फिर और क्या दिखाऊँ सोच रही हूँ, हाँ ये एंथोरियम, ये ओरिया है, और ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है, फिलोडेंड्रन स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ये मिलना बहुत मुश्किल है अभी भी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली में सेल होता है, लेकिन मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में 6,000 में मिल गया। कोई कोई तो ऑनलाइन इसको 35,000 से 40,000 में सेल कर रहा है। ये पेपिलोनियम है एंथोरियम, ये भी बहुत रिजनेबल रेट में मुझे मिला है 3,500 में, क्योंकि ये कलेक्टर से मिला था। और ये जिग्गास जो है इसका न्यू लीफ तो ग्रो हो रहा है लेकिन पुराना लीफ अभी मर रहा है, इसको मैंने 7,360 में लिया था। तो जब आप रेयर प्लांट्स देते हैं सेल करते हैं तो फ्रेंड्स बहुत प्राइस ज़्यादा हो जाता है। व्हेन यू आर, आपको कोई प्लांट चाहिए लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो आप जो भी प्राइस है वो देना चाहेंगे सिर्फ वो प्लांट के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे एंथोरियम है, बहुत दूसरे प्लांट्स भी हैं मेरे, तो कुछ प्रोपागेशन भी हो रखा है मॉन्स्टर डुबिया का जो सक्सेसफुल हो गया है, बेगोनिया भी है, तो सारे एक साथ मिलजुल के है। और ये देखिए ग्लोरियासम वगैरह भी अच्छा से चल रहा है। और यहाँ पर नीचे भी एंथोरियम है, कुछ कुछ मॉन्स्टरा पेट्रोसा है,
फिर यहाँ पर ये देखिए पिंक प्रिंसेस, सॉरी वाइट प्रिंसेस फेलेरोंड्रन भी है, ये भी एंथोरियम ही है। एंथोरियम को आईडी लेके मैं हमेशा कंफ्यूज्ड हूँ। और ये देखिए स्नेल अटैक हो गया था मेरे क्लेरिवरेन के ऊपर, अभी ठीक हुआ है, तो ऐसे ही दिखता है। अभी नीचे ये देखिए मेरा किंग ऑफ माय गार्डन विची, एंथोरियम विची, काफ़ी बड़ा प्लांट है, 7 लीव्स है इसमें और ये बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। तो ऐसे ही मेरा गार्डन दिखता है, काफ़ी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं ऑर्गेनाइज थोड़ा अच्छा से करना चाह रही हूँ ताकि मुझे खुद भी पता चले कि क्या है क्या नहीं है। ईपी जो ईपी वेरीगेटेड भी कुछ मैं रेडी कर रही हूँ सेल करने के लिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स न्यू प्लांट्स ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए, तो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स को आप अगर मल्टीप्लाई करके सेल कर सकते हैं तो न्यू प्लांट्स ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए। और इस सेक्शन में मैंने ये सीरी में भी कुछ होया वगैरह लगा के रखा है, और इस सेक्शन में मैंने कंजस्टर जानबूझ के करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लांट्स है उन सबको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ रह के अच्छा लगता है इन लोग को। फिर इसमें मैंने होयास वगैरह रखे हैं, कुछ पेपरमिया भी रखे हैं इस टेबल पे, और आप देख सकते हैं कि पेपरमिया ये जो रिसेंटली मैंने लिया था ये भी रखा है। तो और फिर ये भी होया सेक्शन है, इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो देखते हैं कितना दूर काम चलता है। होया को भी मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कुछ कुछ होया बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा छोटा सा टेरेस का ओवरव्यू, इसमें डेकोरेटिव कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे यूट्यूब चैनल में दूसरे जो यू नो कंटेंट प्रोड्यूसर से हैं वो अपने गार्डन में कितने कलरफुल वे से डेकोरेशन करते हैं, लेकिन मेरा गार्डन मेरा टेरेस बहुत ही प्रैक्टिकल है। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए स्पेस नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। सिर्फ मुझे ये पता है कि मुझे अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना है, सो फिर मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है, डेकोरेशन का समय नहीं है। हाँ, सिर्फ मुझे वाइट पॉट्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं मैक्सिमम अपने प्लांट्स को वाइट पॉट में रखना पसंद करती हूँ। ये नीचे यहाँ तक ही इसमें नेट है, बाकी नेट अगर जब ये हम लोग का लॉकडाउन ठीक हो जाए बाकी नेट्स वगैरह भी मैं लगाऊंगी और ये पूरा कवर कर दूंगी। सिर्फ एक कॉर्नर में बोगेनविली और यूफोर भी मिली रह जाएंगे। तो अभी ये देखिए यहाँ पर मैंने जूनिपर और कुछ जो सन लविंग प्लांट्स है, क्योंकि यार सनलाइट जब आता है बहुत ज़ोर से आता है, तो यूफोर पे मिली मेनली रखा है, क्योंकि ये नो फस प्लांट है, नो फसीनेस है इन सब में, इंसेक्ट्स नहीं लगता है और फूल हमेशा देते रहते हैं, सो इन सब को मैंने जानबूझ के इधर रखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा है अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा मेरा कोलियस के ऊपर, कोलियस का मैं रखूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी भी। और ये जो भी देख रहे हैं आप, ये भी एंथोरियम है और ये फोलियज एंथोरियम ट्राइकलर है और वेरिकेटेड है इन, और ये फिडल फिक है। इन सब को मैं एक स्टैंड यहाँ पर ला रही हूँ और भी आज शाम को उस स्टैंड के ऊपर रखूँगी, इसीलिए मैंने अभी इस साइड में रखा हुआ है जहाँ पर ये लोग धूप से बच रहे हैं। तो एज सुन एज वो स्टैंड आ जाए, शेल्फ आ जाए, मैं इन सब को भी उसके ऊपर शिफ्ट कर दूंगी और आपके साथ ये वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो भी विद द अपडेट्स शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं पानी देने वाली हूँ, आपको पानी का पाइप देख के पता चल ही गया है शायद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप बोलिए कि कैसा लग रहा है। सुंदर नहीं है पता है, लेकिन रेयर प्लांट्स काफ़ी है। मैं कुछ आम प्लांट्स से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रेयर फोलियज प्लांट्स, तो उसको लेकर आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माय ओन कलेक्शन। आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि आपके पास अगर कोई स्वाप के लिए अच्छा रेयर प्लांट्स हो तो मैं ज़रूर आई विल बी वेरी हैप्पी टू स्वाप विथ योर प्लांट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और मुझे ऐसे ही एनकरेज करते रहिए, प्यार ऐसे ही दीजिए, एंड आई ऑल्सो मेक लॉट ऑफ गुड वीडियोज़। थैंक यू।